क्वेश्चन नंबर एट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हिच डिवाइड्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली दाइन ज्वाइनिंग कामा माइनस नाइन एंड फाइव कामा सेवन इन द रेशो थ्री रेशो फोर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है अगर हम इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लें तो इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इंटरनली एक पॉइंट आएगा जो इन दो पॉइंट के ज्वाइन को थ्री के और फोर के रेशियो में डिवाइड करेगा तो हमें उसी पॉइंट को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इंटरनली के लिए हमारे पास जो पॉइंट आर है ये बराबर है यू एक्स टू प्लस वी एक्स वन डिवाइडेड बाय यू प्लस वी का यू वाई टू प्लस वी वाई वन डिवाइड बाई यू प्लस वी और इधर हमारे पास जो ये पॉइंट है सिक्स काम माइनस नाइन ये बराबर है एक्स वन और वाई वन की वैल्यू इसी तरह दूसरा पॉइंट फाइव काम से वन, ये बराबर है एक्स टू काम वाई टू की वैल्यू और हमारे पास यू रेशो वी बराबर है इस रेशो थ्री रेशो फोर के तो so, u की वैल्यू होगा थ्री और v की वैल्यू हो, होगा फोर तो so, अभी हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे हमारे पास u की वैल्यू तो u की वैल्यू है थ्री एक्स टू की वैल्यू है फाइव फिर प्लस v की वैल्यू है चार और x1 वन की वैल्यू है सिक्स डिवाइडेड बाय u प्लस वी तो थ्री प्लस फोर कामा यू वाई टू यू की वैल्यू है थ्री वाई टू की वैल्यू सेवन और प्लस वी की वैल्यू है फोर और वाई वन की वैल्यू है माइनस नाइन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस फोर इज़ इक्वल टू हमारे पास थ्री फाइव जो होगा फिफ्टीन प्लस फोर सिक्स ज ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई थ्री प्लस फोर होगा सेवन थ्री सेवन ज ट्वेंटी वन यहाँ पर प्लस इंटू माइनस होगा माइनस फोर नाइन जर्टी सिक्स डिवाइड बाई थ्री प्लस फोर सेवन

जो कि अगर हम इसको पॉइंट ए ले लें अगर इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट ए ले लें अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो आर एक ऐसा पॉइंट है इन दोनों के बीच जो कि इसी ए बी को फोर थ्री uh, और फोर के रेशो में डिवाइड कर रहा है अभी हम एक्सटर्नली के लिए फाइंड आउट करेंगे इसके लिए अगर हमारे पास यही पॉइंट ए और यही पॉइंट बी हो तो हम एक एक और पॉइंट फाइंड आउट करेंगे आर जो कि इन दोनों से इस साइड पर है सच डेट कि अगर इसको भी इस आर के साथ मिलाया जाए तो इसको थ्री और फोर के के रेशो में डिवाइड करेगा तो एक्सटर्नली के लिए हमारे पास फार्मूला ये है यू एक्स टू माइनस वी एक्स वन डिवाइड बाई यू माइनस वी का u यू वाई टू माइनस वी वाई वन डिवाइड u माइनस और इधर फिर से हम इन ही वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले u की वैल्यू है थ्री और x2 की वैल्यू x2 हमारे पास फाइव तो थ्री फाइव फिर आ जाएगा माइनस का साइन v की वैल्यू है चार और x1 की वैल्यू है सिक्स डिवाइडेड बाय यू माइनस वी तो थ्री माइनस फोर क्योंकि यू की वैल्यू है थ्री और वी की वैल्यू है फोर खामा यू की वैल्यू थ्री वाई टू की वैल्यू वाई टू की वैल्यू है सेवन फिर माइनस का साइन वी की वैल्यू है चार और वाई वन की वैल्यू है माइनस नाइन डिवाइडेड बाय यू माइनस वी तो थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री फाइव ज फिफ्टीन होगा माइनस फोर सिक्स ज ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय थ्री माइनस फोर का आंसर आ जाएगा माइनस वन का थ्री सेवन ज ट्वेंटी वन माइनस इंटू माइनस होगा प्लस फोर नाइन जै थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री माइनस फोर का आंसर आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फोर का आंसर आ जाएगा माइनस नाइन क्योंकि ट्वेंटी फोर माइनस फिफ्टीन होगा नाइन और साइन बड़े वाले का आ जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस वन यह ट्वेंटी वन प्लस थर्टी सिक्स का आंसर हमारे पास फिफ्टी सेवन डिवाइडेड बाय माइनस वन आ जाएगा इधर हम इस माइनस और इस माइनस को कैंसिल करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नाइन क्योंकि नाइन बाई वन को हम लिखेंगे नाइन और इस माइनस को हम लिखेंगे ऊपर तो माइनस फिफ्टी सेवन और यही हमारे पास आंसर होगा पॉइंट आर का